सर पॉडकास्ट पे आने का क्या लोगे सर? पॉडकास्ट में मैं आने का क्या लूंगा, तेरे पास कम से कम नहीं तो 15 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे। पैसे की बात नहीं, भाई क्या कर रहा है यार तू, मजाक है क्या? आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? ये पहला प्रोडक्ट है पूरे दुनिया में, नहीं पहला और आखिरी प्रोडक्ट भी है। इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है। इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। क्या बना रहे हैं ये? नेहरू की पटरी पे बिकता 15 रुपए का। मेरे को गाड़ियों का शौक है। ये सब दोगलापन है। क्या उखाड़ लिया मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। अब मैं बोलता हूँ ताकि तुम चने की दाल में मत चढ़ो। बंद कर, बस अब मैं बोलता हूँ ताकि तुम चने के झाड़ पे मत चढ़ जाओ एक ऑफर के बाद। बस बंद कर दे। फिर तू आईटीओ के बाहर एक फ्रूट का ठेला खोलता और फ्रूट जूस की दुकान खोलता, सिर्फ नॉर्मल कुछ नहीं, तू उससे ज्यादा धंधा करता पता है। तुम सब अपनी जिंदगी बर्बाद करो। माय नेम इज समय। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ बिग फैन सर। सर बिफोर इन्वेस्टिंग व्हाट आर दैट की फैक्टर्स और पैरामीटर्स यू लुक इनटू अ स्टार्टअप? देख तुम्हें को समझ नहीं आता, मैं इतनी देर से हिंदी बोल रहा हूँ तब भी हर कोई सवाल इंग्लिश में ही पूछता है। एंड तुम्हारे ही नुकसान है, देखो तुम हिंदी में पूछते ना 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ जाते तो तुमने हमने 2 क्वेश्चन कम करे इंग्लिश में पूछे, क्योंकि पहले तूने सोचा हिंदी में, फिर बोली इंग्लिश, फिर मैंने सुनी इंग्लिश, फिर सोची हिंदी। अब मैं भूल भी गया तूने पूछा क्या था। अब हिंदी में पूछो। एक तो गाड़ियों को शौक है, ठीक है, और मेरे को नहीं सबको ही है। तो जैसे जोमेटो का फाउंडर है दीपेंदर, सबसे ज़्यादा शौक उसको था, जब भी उसका राउंड रेज होता था ना उसकी नई स्पोर्ट्स कार आ जाती थी तो साला हम बड़े चिढ़ते थे बैठ के, यार ये बंदा सही है साला बड़ी गाड़ी चलाता है। उस मतलब 10 साल पहले भी वो स्पोर्ट्स कार चलाता था। फिर मैंने अलबिंदर के लिए काम किया ग्रोफर्स में, वो भी बैचमेट था, तो उसके भी 1-2 राउंड हुए, उसने भी रेंज रोवर वगैरह ले ली। तो मेरे को भी कीड़ा था कि साला गाड़ी तो मेरे को भी बड़ी लेनी है। तो बट मैं मोस्टली गाड़ी सेकेंड हैंड खरीदता हूँ। नई गाड़ी ना थोड़ा दिल पसीज सा जाता है बाहर निकल के, कोई स्क्रैच वैच मार देना मतलब हफ्ता भर तुम्हारा मूड ही खराब रहता है कि यार साला स्क्रैच लग गया। सेकेंड हैंड में ना 1-2 स्क्रैच वैसे ही लगे होते हैं तुमको लगता है ठीक है एक और लग गया तो क्या बात है, और तुम खुले होके चलाते हो गाड़ी, थोड़ा नई गाड़ी में थोड़ा टाइट होना पड़ता है।